लिए गिफ्ट है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे तो अब हम जा रहे हैं फोन देखने, अपना नया फोन। गाइस मैंने उस दिन देखा था, आपको दिखाता हूँ। एक मैंने ये देखा था रेडमी नोट, ले आए फिर नया फोन आज आपको दिला दे। धनतेरस पे आपको गिफ्ट, धनतेरस दिवाली सारा गिफ्ट आपको, जो भी मान लो। आपने बोला आपके भी हाथ लगी है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड ऑलवेज अच्छे रहिएगा। तो एक बार फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग इवनिंग हो चुकी है, 5:30 हो चुके हैं। तो आप लोग भी कह रहे होंगे यार इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया, नाराज़ हो गए उसके लिए यार सॉरी, बहुत ज़्यादा बिजी था। दूसरी बात, आपके भाई की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, एक हफ्ते से फीवर था, वायरल चल रहा है जैसा आप लोगों को पता है। तो अपना अपना गाइस ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है। तो अब जाके भगवान की कृपा से ठीक हुआ है, तो मैंने कहा चलो आज कैमरा उठाते हैं, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करते हैं आप लोगों के लिए, कॉन्टेंट दिखाते हैं आप लोगों को। और आज है जैसे कि धनतेरस, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को धनतेरस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। फेस्टिव सीजन चल रहा है, इन्जॉय करो फुल ऑन अपनी फैमिली के साथ। तो बस इसी चक्कर में बिजी रहा, आपको मैंने बता ही दिया है, कुछ तबीयत ख़राब, कुछ अपने कामों में, कुछ गेस्ट वगैरह के घर भी जाना था, तो मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, आज ही उठाया। तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग करते हैं। तो आज का सीन है, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मैं मार्केट, धनतेरस की पूजा के लिए जो हम सामान लेते हैं वो लेके आएंगे। दूसरा, आज मॉम का फ़ोन ख़राब हो चुका है, आज वो भी नया फ़ोन भी परचेज़ करने जाना है। विजय सेल जाएंगे अपने जो नियर में है, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। प्लस आज थोड़ी बहुत अपना आगे कहते हैं दिवाली की शॉपिंग करेंगे, जैसे दिवाली आ रही है तो कपड़े वगैरह भी नहीं खरीदे, तो थोड़ा सा लेट ही हो गए हर चीज़ में। तो ये 3-4 काम है कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को भी ब्लॉग में शेयर करेंगे एक एक चीज़। वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, मॉम वेट कर रहे हैं, फिर मिलता हूँ आपको रस्ते में। चलो तो गाइस मम्मी भी आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी चले फिर, ले आए फिर नया फ़ोन आज आपको दिला दे। धनतेरस पे आपको गिफ्ट, धनतेरस दिवाली सारा गिफ्ट आपको, जो भी मान लो। तो चलते हैं, और धनतेरस का पूजा का भी सामान लाना है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है अपने लिए, कपड़ों की दिवाली है ना। चलो चलते हैं। विजय सेल पे जैसे मैंने आपको बताया न्यू फ़ोन परचेज़ करना है, देख लो कितना सही लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं फ़ोन देखने, अपना नया फ़ोन दिखाता हूँ आप लोगों को। 6/28 है, मैंने उस दिन देखा था, आपको दिखाता हूँ। एक मैंने ये देखा था रेडमी नोट 11s जो कि मेरे को ओके लगा, और एक मैंने वन प्लस का भी देखा। एक गाइस मैंने ये देखा था, सर ने दिखाया था, थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन बता दो। सर इसमें दो वेरिएंट आता है, अच्छा, एक आता है 6 GB रैम 128 GB इंटरनल, ठीक है, दूसरा आता है 8 GB 128 GB इंटरनल, ठीक है, तीसरा आता है 8 GB 256 GB इंटरनल, ठीक है। आप कौन सा इसमें देखें? हमने 6 GB वाला फाइनल किया था ना, 6 GB ना, हाँ जी, 6/128 है जिसमें 6 GB रैम 128 GB इंटरनल है, 6 में 6 GB रैम आपको बढ़ जाएगा, टोटल आपको 12 GB रैम आ जाएगा। कैसे है गाइस, कैमरे की बात करें इसमें आपको मिलेगा 64 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP, 4 कैमरे हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, फ्रंट में आपको मिलता 32 MP। इसकी आप क्वालिटी मैं दिखाता हूँ आपको, फिर अभी हैंग हो गया। मैंने दो बार उसको टेप कर दिया, वो देख लेगा इसके ऐसे ये कैमरा आ जाएगा। कैमरा क्वालिटी अच्छी है सर, नो डाउट, 32 MP का फ्रंट है, और जिसके बाद गेट का गारंटी है उसमें जो चीज़ नहीं आएगा, तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। करा दीजिए फाइनल, यही ले लें, बता देने से 30,500 हमने बोला कि वन प्लस से बेटर सैमसंग का है, तो हमने सैमसंग फाइनल कर ली है, तो वही हम फाइनल करके पैक करा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ फिर मैं, अभी यहाँ पे आपको देखकर कोशिश करूँगा, अनबॉक्सिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ।
देखो कितने बड़े बड़े टीवी हैं यहाँ पर, और आपको एक बहुत बढ़िया सैमसंग का टीवी दिखाता हूँ जो कि मेरा फेवरेट, मुझे पसंद आया है। बस ये वाला टीवी देखो, मतलब इसके लिए काफ़ी बड़ी वॉल चाहिए होगी, बट टीवी बहुत प्यारा लग रहा है। अगर मेरे पास इतना बजट होता तो मैं ज़रूर पक्का परचेज करता ये टीवी। देखो कितना शानदार लग रहा है, और ये वाला भी देखो कितना बिग साइज टीवी है, और इसकी कॉस्ट है आई थिंक 70,000 69,910। बट टीवी देखो कितना शानदार लग रहा है भाई साहब। दिवाली पे ऐसे ही मतलब भीड़ लगी हुई है धनतेरस पर, मज़ा आ गया भाई आके। तो यहाँ सारे लैपटॉप्स वगैरह भी हैं, आप लोगों को पता ही है यहाँ पे विजय सेल्स में अच्छा मतलब ऑफ़र भी मिल जाता है, तो कहीं और जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। गाइस फाइनली बिलिंग कर दी है, और अब अनबॉक्सिंग का टाइम है, अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। आपने खोला, आपकी भी याद लगी है। कोई बात नहीं, अगेन करते हैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अनबॉक्सिंग हो रही है गाइस, क्या बात है, मुबारक भाई मुबारक। देख लो आप कितना प्यारा फोन है, थैंक यू मैम। फोन ले लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने, कपड़े वगैरह जो कि दिवाली पे हम लोग पहनेंगे, तो वहाँ चलते हैं, आपको वहाँ चल के मिलता हूँ। रात में मार्केट देखो कितनी सुंदर लग रही है दिवाली की डेकोरेशन में, और अभी आया हूँ मैं कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने दिवाली की, तो आपको दिखाता हूँ क्या शॉपिंग करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। गाइस अभी मैं आया हूँ कुछ दिवाली की शॉपिंग करने, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने एक कुर्ता पजामा सिलेक्ट किया है, आपको दिखाता हूँ उनमें से। ये तीन भैया ने दिखाए हैं, एक ये वाला, और इनमें से मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी आप इतना ही देख लो, बाकी आपको दिवाली वाले दिन सेम डे पे आपको दिखाऊंगा। चलो बाकी अभी शॉपिंग कर रहा हूँ, मम्मी भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो हाँ जी सही लग रहा है, फिर कर दें फाइनल, देख लो आपको सही लगना चाहिए, मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर लग रहा दीदी, ये लो दोनों में से एक लेना, तो अगर मैं बोलूं मेरे से पूछो तो ये लो। आप कौन सा बोल रहे हो भैया? मेरे हिसाब से ये वाला बेटर है। आप पे जो चल रहा है, आप पे जो खेल रहा है बेटर, वो बेटर है। हैप्पी क्लाइंट इज ऑलवेज अ रेगुलर क्लाइंट, रेगुलर क्लाइंट। कोई बात नहीं, खुल जाएगा, दोनों अच्छे लगेंगे। बेटर जो आपने पहना है वो वाला है, पिंक से बेटर येलो वाला, येलो येलो, इससे पहले जो आपने यूज किया येलो ब्राइटनेस दे रहा है ना, और फेस्टिवल के हिसाब से अच्छा। गाइस हमने कर ली है शॉपिंग, और अब चलते हैं आगे, आपको आगे चल के बताता हूँ आगे का क्या सीन है, फिलहाल में अभी निकलते हैं यहाँ से। बाहर देख लो मार्केट कितनी सुंदर लग रही है। गाइस अभी आए हैं धनतेरस की पूजा की शॉपिंग करने, शॉपिंग करते हैं फिर आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे गाइस लगी है धनतेरस की शॉप, मतलब पूजा का सामान। मम्मी खड़े हैं वहाँ लेने, मैं तो यहीं खड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखते हैं फिर आपको दिखाते। गाइस हमने ले लिए ये देखो बर्तन पूजा के लिए, दिखाना ज़रा धनतेरस पे, ये शॉपिंग की है, ये करिए शॉपिंग। तो अभी फ़िलहाल में चलते हैं घर, और आपको घर चल के मिलते हैं, बाकी सारा सामान की शॉपिंग कर ली है, फिर आपको भी हम लोग घर, और फ़ोन हम लोग जैसे आपने देखा ले आए हैं, अनबॉक्सिंग भी हमने वहीं कर दी थी। चलो एक बार व्लॉग के लिए मम्मी को दे देते हैं फ़ोन। मम्मी कहाँ हो? ये लो यार आपके लिए गिफ्ट है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे वाह थैंक यू। कोई नहीं, ओवर एक्टिंग ना करो, लोगों को पता हम पहले देख चुके हो आप। थैंक यू सो मच। बट फोन तो है ही नहीं अंदर, खाली डब्बा क्यों दिखा रहे हो? एंड टाइम फिश फोन असल में गाइस ये रहा, पहले निकाल ली, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए था। तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। हो गई फाइनली, हम लोग घर पहुंच चुके हैं, आप लोगों ने देखा, तो आप लोगों ने देखा हमने सारी शॉपिंग कर ली है, फोन भी आज हम लोग न्यू फोन लेके आए, परचेज किया आप लोगों ने देखा वो भी, प्लस कोई दिवाली की शॉपिंग करी, प्लस आज धनतेरस था तो कोई यूटेंसिल लेना था वो भी ले लिया हम लोगों ने,
तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बढ़िया से ब्लॉग में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं. और अपना ध्यान तो ज़रूर रखना यार, क्योंकि फीवर वायरल आजकल चल रहा है, आप लोगों को पता, जैसे मेरे को भी हो रखा है अब, ठीक है. तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें. मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.